हेलो एवरीवन, अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ योर अटेंडेंट क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे अगले लेसन के ऊपर। सो ये आपका थर्ड लेक्चर है जिसमें मैं बात करने वाली हूँ फंगस के किंगडम के बारे में, फंगी किंगडम के बारे में, जिसमें हम फंगस के बारे में जानेंगे। अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। द रीज़न इज़ फंगस के बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आपसे बात की थी मोनेरा किंगडम के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से आपका जो पर्टिकुलरली बैक्टीरिया है वो रोल प्ले करता है। आज हम बात करेंगे फंगस के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फंगी किंगडम के बारे में। तो इसमें आपको सिर्फ मेन पॉइंट जानने हैं। सबसे पहले फंगस की स्टडी को क्या बोला जाता है, इनका सेल स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं फंगस की स्टडी को, तो माइकोलॉजी बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफ़ी बार पूछा जाता है। प्लीज़ स्पेलिंग देख लीजिएगा, MYCOLOGY। ओके, और अगर हम बात करते हैं इसके सेल स्ट्रक्चर की, तो फंगस का जो सेल स्ट्रक्चर होता है वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर होता है। अब आपको एक चीज़ बताती हूँ। देखिए, अगर हम फंगस की बात करते हैं, तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो फंगस होती है वो कहीं ना कहीं किसी डेड पर्टिकुलर मैटर के ऊपर आती है, या देखा होगा किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर आती है। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट्स के ऊपर आपने देखा होगा हरी हरी घास जो है वो आ जाती है। अब ऐसा क्यों होता है कि जो फंगस होती है वो अपने आप डिवेलप क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर फंगस की बात की जाए, तो फंगस का सबसे मेन करेक्टरिस्टिक ये होता है कि फंगस जो होती है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाती। फोटोसिंथेसिस मतलब अपना खाना जो है वो खुद नहीं बना पाती। द रीज़न इज़ उसके पास क्लोरोफिल जो होती है प्रेजेंट नहीं होती। अगर आपको पता हो, फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट्स को क्लोरोफिल का होना बहुत ज़रूरी होता है, तो यहाँ पर फंगस के पास क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। अब क्वेश्चन ये आता है कि फंगस अपना खाना किस तरीके से बनाती है, फंगस को खाना किस तरीके से मिलता है, फंगस जो है वो किस तरीके से डेवलप होती है। तो इसके बाद में ये बाद में आती हूँ, आपको ये स्लाइड बाद में आते हैं, पहले हम फंगस को एक्चुअली समझते हैं। तो यहाँ पर अगर आप पिक्स को देख रहे हो, तो आपको तीन डिफरेंट तरीके की फंगस जो है वो दिख रही होगी। सबसे पहली फंगस की स्नैप को बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पर अगर आप ये चीज़ देख रहे हैं किस तरीके से ये जो फंगस है उसने अपने आसपास की जो सारी घास है उसको ख़त्म सा कर दिया है, एकदम अपने अंदर खा लिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो घास है फोटोसिंथेसिस कर अपना खाना बनाती है, और ये जो फंगस है इसी को खाना बना लेती है। तो जब हम सेप्रोफिटिक फंगी की बात करते हैं, ये एक फंगस की टाइप है जिसको कैटेगराइज किया जाता है एक ऐसी फंगी से जो अपना फूड जो है वो कहाँ से लेती है, डेड प्लांट्स या ऐसी चीज़ों से जो डेड हो चुके होते हैं। जैसे अगर आप बात करते हैं आपके घर में जो ब्रेड होती है, ओके, वो ख़राब हो चुकी होती है, तो फंगस अगर उसके ऊपर आती है तो वो कौन सी होती है, वो होती है सेप्रोफिटिक फंगी। ओके, इन द नेक्स्ट पिक्चर अगर आप देखें, तो यहाँ पर ये जो वुड है ये एक लिविंग है, एक लिविंग वुड है, मतलब एक प्लांट है जिसके ऊपर ये फंगस जो है वो आई हुई है। अब ये फंगस कौन सी फंगी होती है? ये फंगस वो फंगस होती है जो बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब खाना इनके लिए ये बनाता है और उसके बाद ये अपना जो खाना है इनसे लेती है। अब यहाँ पर एक ऐसी फंगस जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करती है, उसको हम पैरासिटिक फंगी के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगर आप इस स्नैप को देखें, इस स्नैप में भी आप यही चीज़ देखेंगे कि ये कुछ हद तक सिमिलर है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंशिएट है। अगर आप देखें कि ये एक हरी वाली जो ग्रास है और ये पर्टिकुलर जो फंगी है एकदम मिक्स हुए हैं, तो यहाँ पर एक सिम्बोटिक फंगी भी होती है। जब मैं सिम्बोटिक फंगी की बात करती हूँ, सिम्बोटिक फंगी वो फंगस होती है जो बेसिकली म्यूचुअल एग्रीमेंट करती है। म्यूचुअल एग्रीमेंट मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें दोनों एक दूसरे को खाना जो है वो प्रोवाइड करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ बढ़ते हैं, अगर एक मरेगा तो दूसरा भी मरेगा। बट ऐसा इसमें नहीं होता है, ये सिर्फ इसका खाना जो है ले लेती है, बट इन दोनों के बीच में ऐसा एग्रीमेंट नहीं होता है। अब आते हैं पीछे की तरफ, जिसमें मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगी कि फंगस की टाइप्स क्या होती हैं। तो फंगस को तीन तरीके में कैटेगराइज किया जाता है, जो अभी हमने देखी, सेप्रोफिटिक फंगी, पैरासिटिक फंगी, थर्ड इज सिम्बोटिक फंगी। सेप्रोफिटिक फंगी में हमने ये देखा कि वो अपना खाना जो है वो डिकेड प्लांट से, रोटन रिजोर्डिट से, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से इंक्लूड करती है। और जब हम पैरासिटिक फंगी की बात करते हैं, वो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना जो है वो लेती है। सिम्बोटिक फंगी में हमने ये चीज़ जानी कि वो शो करती है अपना एसोसिएशन विद अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म।
क्लियर है। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम्पल्स हैं। कैसे, जो सेप्रोफिटिक फंगी की अगर बात करते हैं, ये दो तरीके की एग्जाम्पल्स आपको याद रखनी है, पैरासिटिक फंगी के लिए ये दो एग्जाम्पल्स आपको याद रखनी है और सिम्बॉटिक फंगी के लिए एक एग्जाम्पल याद रखनी है। अब आपको ऑप्शंस में पूछा जाएगा कि ये पर्टिकुलर किसके एग्जाम्पल हैं, ज़्यादातर आपको यही देखने को मिलेंगी क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ तीन चार एग्जाम्पल्स हैं जो ज़्यादातर पूछी जाती हैं। ओके, 80-90% एग्जामिनेशन में यही एग्जाम्पल्स पूछी गई, सो दैट्स वाई मैंने आपके लिए ये इंक्लूड किए हैं। इसको जस्ट याद रख लीजिएगा कि कौन कौन सी सेप्रोफिटिक एग्जाम्पल है, कौन कौन सी आपकी पैरासिटिक की एग्जाम्पल है। उसके बाद कुछ सक्सेस पॉइंट आपको याद रखने हैं जो फंगस के जनरल साइंस यानी कि जनरल में पूछे जाते हैं। कुछ सीरियस डिजीजेज होते हैं फंगी की वजह से, जैसे कि रेड रैट ऑफ शुगर केन, अगर देखा हो गन्ने में हल्का हल्का रेड डॉट्स आ जाती हैं तो वो किसकी वजह से आती हैं, वो आपकी फंगस की वजह से आती है। रस्ट ऑफ व्हीट होना, बैड डिजीजेज ऑफ पोटैटो, पोटैटो को अगर आप काटेंगे तो आपने देखा होगा ब्लू कलर की, ब्लूरिश कलर की आपने कई बार देखी होगी, तो फंगस की वजह से ही आती है। उसके बाद अल्फा टॉक्सिन्स भी जो होते हैं वो फंगस से ही मिलते हैं हमें। ओके, सो उसके बाद फर्दर अगर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात की, तो यहाँ पे फंगस के बारे में दो चीज़ें आपको और पता होनी चाहिए। वो ये कि जो फंगस होती है वो अपना खाना जो है वो स्टोर करके थोड़ा सा रखती है। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो भगवान ने, गॉड ने एक चीज़ बहुत अच्छी बनाई है कि हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किस ना किसी पर्टिकुलर चीज़ में अपना जो खाना है वो थोड़ी देर के लिए स्टोर करके रखते हैं। मतलब जैसे अगर आप बात करते हैं, आप अपने अपनी बॉडी की बात करें, फैट जो होता है आपकी बॉडी में क्यों आता है, वो आपकी एनर्जी को स्टोर करके रखता है। जब आप अपना खाना टाइम पे नहीं खाते हैं या ज़्यादा खाते हैं तो आपकी बॉडी वो फैट के रूप में उसको स्टोर करना स्टार्ट कर देती है। वहीं पे जो फूड रिजर्व्ड है उसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म बाकी के भी इसी तरीके से स्टोर करके रखते हैं। और जो फंगस है वो ग्लिकोजन और ऑयल के नाम से, ऑयल और ग्लिकोजन इन दोनों पर्टिकुलर पदार्थ के रूप में आपका जो खाना है वो स्टोर करके रखती है। ओके, अगर बात करते हैं इसके सेल वॉल की, तो काफ़ी टफ कॉम्प्लेक्स शुगर चिटिन मटेरियल से बना होता है। सेल वॉल क्या होती है, कुछ नहीं होता, सेल का जो ऊपरला पार्ट होता है, सबसे पहली वॉल जो होती है उसको सेल वॉल कहा जाता है। अब इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानेंगे जब हम सेल का चैप्टर करेंगे, तो इसकी वरी मत करिएगा। ओके, बस इतना ही आपको फंगस के बारे में पता होना चाहिए था। प्लीज़ इनकी जो एग्जाम्पल्स हमने आज देखी हैं इसको याद रखिए, क्योंकि जब मैं क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी तो आप देखेंगे इसी तरीके के क्वेश्चंस जो है एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं प्लीज़ मुझे अनअकैडमी पे भी आप फॉलोअप कर सकते हैं। टोटल 83 कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है, जनरल साइंस से लेकर इंग्लिश लेकर और करंट अफेयर्स सभी वहाँ पे, मैं डेली वहाँ पे मेरी अपडेशन आती है, तो वहाँ पे भी अगर आप मुझे फॉलोअप करेंगे आपके लिए थोड़ा सा फ़ायदा होगा। बल्कि आप यहाँ पे भी करिए और आप टर्न क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर वीडियो अच्छी लगती है, आपको पता लगता है कि क्वालिटी अच्छी है, तो आप प्लीज़ इसको शेयर भी करिएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून, कीप लर्निंग।